हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज चेतना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेंसिल से जो हम शेडिंग करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी पोर्ट्रेट में जो हम शेडिंग देते हैं, वो हमें कैसे करनी चाहिए। तो बिगिनर्स को आज इन सबके बारे में मैं बताने वाली हूँ और उनको ये भी बताने वाली हूँ कि जो उन्हें स्टार्टिंग में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस मतलब किन चीज़ों को रूटीन में ला के वो बहुत अच्छी शेडिंग कर सकते हैं। तो आज मैं इन आर्ट लाइन पेंसिल का यूज़ करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले शेडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ आर्ट लाइन की 2B पेंसिल। इसे मैंने शार्प नहीं किया है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि जो हम पेंसिल शार्प करते हैं और जो पेंसिल शार्प नहीं करते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस आता है, उनकी शेडिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो अभी मैं 2B की पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ, इसे मैंने शार्प नहीं किया है। देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल आर्ट लाइन की। इसे मैंने बिल्कुल पॉइंट शार्प किया है और मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी शेडिंग करूँगी। देखिए किस तरीके से मैं शेडिंग कर रही हूँ। आपको पेंसिल पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, उसे हल्के हाथों से पकड़नी है और एक समान, मतलब आपको एक जैसी मतलब शेडिंग करनी है। आपको कहीं डार्क कहीं लाइट ऐसे नहीं करनी है। मतलब प्रेशर, जो पेंसिल का प्रेशर है ना, वो एक जैसा रखना है हर जगह। अभी आपको ये देखिए। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से पेंसिल को नहीं पकड़ना है, बिल्कुल ऐसे प्रेशर कर से नहीं पकड़ना है आपको पेंसिल को। देखिए, अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो कुछ इस तरीके से शेडिंग होगी। आपको हल्के हाथों से पेंसिल को पकड़ना है, देखिए इस तरीके से। अगर आप पेंसिल पर अपना प्रेशर बिल्कुल लाइट रखेंगे ना, तो आपकी जो शेडिंग होगी ना, वो भी लाइट होगी। और अगर आप उसे ज़्यादा पेंसिल को जकड़ के रखेंगे तो उस पर मतलब प्रेशर आएगा और प्रेशर से शेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और मर्ज करने पर भी वो अच्छे से मतलब रिजल्ट नहीं आएंगे। इस तरीके से नहीं पकड़ना है पेंसिल को, आपको हल्के हाथों से पकड़ना है पेंसिल को, बिल्कुल हल्के हाथों से, और थोड़ा पीछे की तरफ से पकड़ना है आपको पेंसिल को। अब बारी है कि हमें इसे ब्लेंड करने की। अब मैं टिश्यू पेपर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए, जो मैंने बिल्कुल लाइट हैंड से जो मैंने शेडिंग करी थी, उसे मैं मर्ज कर रही हूँ। देखो, बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं आ रहे उसमें और कहीं हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हमने पेंसिल लगाई भी थी या नहीं लगाई थी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको ऐसे करना, हल्के हाथों से जितना करेंगे आप, उतना जल्दी इसमें मर्ज होगा। और देखिए, आप डार्क पार्ट, डार्क एरियाज को मर्ज करके देखिए, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप हल्के हाथों से शेडिंग को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरे कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने किस तरह से इस पर बिल्कुल लाइट टोन किए हैं, हल्के हाथों से, इस पर प्रेशर का यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी, और टिश्यू पेपर से इसे मिक्स किए हैं। ये मेरा सेकंड पोर्ट्रेट, इसमें भी मैंने ऐसे ही किया है, कहीं भी मतलब डायरेक्ट डार्क टोन का यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले लाइट टोन यूज़ किए हैं, उसके ऊपर मैंने डार्क लगाए और टिश्यू पेपर से ही ब्लेंड किया है इनको। ये भी देखिए, ये भी मेरा काफ़ी पहले का स्केच है। इसकी स्किन देखिए, इसे भी मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब है ना, जो पेंसिल की जो शेडिंग है उसे उंगली से ही मिक्स कर लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, बिल्कुल गलत है वो। क्योंकि हम पेंसिल अगर उंगली से इसे मिक्स करेंगे तो हमारे जो फिंगर प्रिंट्स है वो भी इस पर शो होंगे और बहुत गंदा सा लगेगा। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको कभी भी फिंगर से आपको शेडिंग को मिक्स नहीं करना है। अब फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ 10B पेंसिल का, जो कि सबसे डार्क एरियाज होता है, उसे हमें कैसे ड्रॉ करना है। उसे हमें मतलब जैसे जो आपको हाईएस्ट डार्क दिख रहा है उसे तो आप चलो ठीक है, उसे डार्क भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप डार्क एरियाज को ड्रॉ करना है तो आपको सबसे पहले डार्क का जो एकदम लाइट टोन है उसे ही ड्रॉ कीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस पर है ना डार्क टोन लगाइए। उससे मतलब आप बेनिफिट ये होगा कि आप जैसे जो भी डार्क एरियाज़ हैं उनको तो डार्क आप कर ही देंगे और बाकी जो लाइट एरियाज़ हैं उनको भी आप अच्छे से निकाल पाएंगे, क्योंकि कहीं डार्क के अंदर भी कुछ पार्ट्स लाइट्स होते हैं, कुछ पार्ट डार्क होते हैं। तो हमें ऐसे ही करना है और हमें इसे टिश्यू पेपर से मर्ज नहीं करना है, क्योंकि डार्क एरियाज़ होते हैं वो टिश्यू पेपर से मर्ज नहीं होते हैं। तो हमें डार्क एरियाज़ को ब्लेंडिंग स्टम्प से मिक्स करना है। देखिए जिस तरीके से मैं करके अभी आपको बताऊँगी, आपको डार्क एरियाज़ को भी स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ करने हैं। अब देखिए, इसे स्टम्प से मिक्स कीजिए, बहुत अच्छी शेड होगी। स्टेप बाय स्टेप आप इसे डार्क कीजिए, एकदम से डार्क मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप इसे डार्क कीजिए। देखिए जिस तरीके से आपको शो हो रहा है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। आपको देखिए, अब आपको थोड़ा सा डार्क टोन लगाना है और इसके बाद आपको इसे मर्ज करना है अच्छे से,
और फिर इसके बाद फिर आपको थर्ड टोन लगाओ डार्कनेस के लिए, अगर आपको और डार्क चाहिए तो उसके बाद आप थर्ड टोन लगाओ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप उसे डार्क करोगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे शो होंगे। ये देखिए अब मैंने इसका हाईएस्ट टोन लगाया है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसे डार्क कीजिए। सो फ्रेंड्स मैं आपको अपना एक स्केच दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें एकदम डार्क पार्ट किया है चारकोल से, लेकिन मैंने पहले बीच में मिडिल टोन का भी यूज़ किया है, एकदम से डार्क नहीं किया है। पहले थोड़ा सा लाइट डार्क किया है, उसके बाद में हाईएस्ट डार्क किया है। इसमें भी मैंने ऐसे ही किया है, मतलब जो बीच का टोन है और जो हाईलाइट है उसको ध्यान रखते हुए मैंने एकदम से डार्क नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप इसे डार्क किया है। तो आप भी, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप भी ऐसे ही कीजिए स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स मैं अब आपको शेडिंग के कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपको शेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। आप एक स्क्वायर बना लीजिए, उसे चार पार्ट्स में से डिवाइड कीजिए, उसके बाद आप उसे इस तरीके से शेडिंग कीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। स्ट्रोक्स लगाइए हल्के हाथों से और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस करने से आपको हेयर्स की प्रैक्टिस होगी, और प्लस हेयर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसमें शेडिंग कैसे की जाती है उसकी भी आपको प्रैक्टिस होगी। और इसमें एक बेनिफिट आपको और होगा कि आप इसे हर एंगल से, आप इसमें शेडिंग कर रहे हैं तो आपको हर एंगल की प्रैक्टिस होगी। कि जैसे मैक्सिमम होता है कि जैसे हम कोई भी हम चित्र ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले उसका राइट पार्ट ही ड्रॉ करते हैं, तो हमारा लेफ्ट वाला जो होता है पार्ट वो अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता है। तो इसमें हमें लेफ्ट राइट दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है शेडिंग की। तो आप भी कुछ ऐसा ड्रॉ करके आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिए। और आपको लाइंस की भी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि मतलब राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, अपर जो ऊपर से नीचे आती हैं लेयर्स को, और जो नीचे से ऊपर जाती हैं लेयर्स, ऐसे कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब दोनों साइड से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका दोनों हाथ, आपके दोनों साइड से आपका हाथ अच्छे से ड्रॉ हो सके। और आपको सर्कल में भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सर्कल शेड्स में भी प्रैक्टिस करनी है। देखिए इस तरीके से आप सर्कल बना के भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही टेम्परेरी सा कुछ बना के दिखाती हूँ। आपको ऐसे सर्कल बनाना है और इसमें आपको राउंड शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, देखिए इस तरीके से। आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो शेडिंग्स की जो वो है ड्रॉ करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप इनकी रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें, जो बिगनर्स होते हैं उन्हें कैसे स्टार्टिंग में शेडिंग करनी चाहिए, शेडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि शेडिंग ही एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग में, और इसी में एक आर्टिस्ट की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। हम शेडिंग को स्टार्ट तो कर देते हैं करना और इसकी प्रैक्टिस भी करने लग जाते हैं, लेकिन एक जो सफाई होती है ना हमारे हाथ में, जो शेडिंग की सफाई आती है, उसे आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करती हूँ कि आप डेली बेसिस पे शेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको यूज़ कीजिए और उन्हें डेली बेसिस पर उन्हें यूज़ कीजिए, और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी आई होप। और आर्ट लाइन पेंसिल जो हैं वो बेस्ट हैं शेडिंग के लिए। आप इनका लाइट टोन से लेकर डार्क टोन तक सारे यूज़ कर सकते हैं, और मैंने भी अपने पोर्ट्रेट्स वगैरह में और ड्राइंग्स में सब में आर्ट लाइन पेंसिल भी यूज़ किए हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।